हाउ आई मेड माई फर्स्ट एवर व्लॉग, इसके बारे में मैं आपको सब डिटेल से बताता हूँ, तो वीडियो के साथ रहें। तो ये बात है ठीक एक साल पहले, अब मुझे डेट तो याद नहीं, लेकिन एक साल पहले की बात है, जब मेरे ख्यालों की तपिश ज़िंदा होने से पहले ही आपके भाई ने कैमरा जो है ना वो बेच दिया था। ये ख्यालों की तपिश ज़िंदा होने का असल में बात मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि हालात कराची के आपको पता है कैसे हैं, मोबाइल लेके जाओ तो डर, बाइक लेके जाओ तो डर, पैसे लेके जाओ तो डर, और अगर इस तरह की कोई चीज़ लेके जाओ तो फिर भी डर, मतलब कैमरा वगैरह। अब खाली कैमरा तो था नहीं मेरे पास, मेरे पास कैमरा था, फ्लैश गन था, दो तीन लेंसेज थे अलग अलग, मतलब क्या कहते हैं उनको, तो नाम भी भूल गया मैं सारे, 50mm था, 35-80mm था, 75-300mm था, इस तरह का सेटअप था। तो उनको लेके निकलते हुए डर लगता था यार, फिर जब मैंने फ़ोन लिया लेके निकलते हुए ना डर लगता था उन सारे सामान को, और तभी मैंने बोला आज भी मेरे ख्यालों की तपिश ज़िंदा है। बात ये हो रही थी कि मैंने अपना व्लॉग कैसे बनाया, पहले व्लॉग ऐसे बनाया, मैंने फ़ोन ख़रीद लिया था, और फ़ोन जब मैंने ख़रीदा तो फिर मैंने अपना सारा जो कैमरा वगैरह था कैनन 60D विद सामान वामान जो भी, जी भाई जो कैनन 60D विद सामान वगैरह जो भी नेसेसरीज वगैरह मैंने रखी हुई थी, फ्लैश गन, उसके सेल्स, उसके चार्जर, लेंसेस, वो सब तमाम चीज़ें मैंने बेची। उसमें मुझे एक थॉट आया कि यार मुझे व्लॉग करना चाहिए, और व्लॉग जो मैंने बनाया वो तकरीबन इस तरह मैंने पहले बताया, एक साल पहले अक्टूबर का मंथ था, आई थिंक 27th डेट थी, न्यू सेटअप था सारा। तो भाई मैंने आपको डेट भी बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब मैंने पहला व्लॉग अपलोड करा था, सही है। अभी फ़िलहाल ऑफिस में हूँ, एक व्लॉग की जो है ना एडिटिंग चल रही है, जो सिस्टम थे सारे, मतलब जिस तरह एक साल पहले एक व्लॉग मैंने पहला व्लॉग डाला था उसको भी ज़रा नज़रसानी कर ली, वो ये वो व्लॉग था सारा जिसमें मैंने अपने के नाम है कैमरे के रिजल्ट्स वगैरह दिखाए, कैमरे के बारे में था, और वो सारी चीज़ें थी। बेचा इस तरह से था कि मेरे पास फ़ोन आ गया था तो उसका कोई खास यूज़ नहीं था, फिर मेरे पास बेचा किसको, बेचा ये लड़के आए थे आर ब्लॉक से, कोई उनको मैंने बेच दिया था अपना कैमरा सारी एसेसरीज के साथ। वो लोग जो थे बेसिकली मेरे ख्याल से वेडिंग शूट्स वगैरह करते थे, सारा सामान विद द कैमरा उन्होंने पहले एक दिन पहले आके चेक करा, कुछ उनके दोस्त थे फोटोग्राफी वाले, वो उन्होंने आके चेक करा कैमरा वगैरह को, उनको समझ में आया क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी थी कैमरे की, बैग में रखता था तो डस्ट वस्ट का कोई चांस ही नहीं था, तो ये सारे जो पार्ट्स वगैरह थे उसके वो भी सारे बॉक्सेस के अंदर रहते थे, लेंसेज वगैरह इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने वो बेच के जो है लैपटॉप लिया, और लैपटॉप में फिर जो एडिटिंग वगैरह का प्रोसेस होता है वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, जो कि मेरा पहला व्लॉग था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और बस फिलहाल यही है। मज़ीद और इस तरह के व्लॉग्स बनाऊँगा, अपने जो शुरू के व्लॉग्स हैं उनको वापस रिव्यू करवाऊँगा और देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.